ओके सो हे गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज सर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो का बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। एंड मॉडल जो है यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इसका पहले से इरेज कर रखा है, एंड अगर मैं वीडियो में दिखा दूँ तो गाइस आप लोगों को पता है यार इसका जो मतलब वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने पहले से इरेज कर रखा था। एंड जिसको इरेज करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो तीन वीडियो की लिंक मिल जाएगी उन भाई को, तो वीडियो को जाकर देख लेना। भाई गाइस अब बढ़ते वीडियो की तरफ। तो गाइस जब आप अपने मॉडल का पे ऐड कर लोगे तो गाइस आपको एक अपने मॉडल का डुप्लीकेट बनाना है। देन उसके बाद आपको अपने मॉडल को लेके जाना आपको इफेक्ट में, इफेक्ट में ले जाने के बाद आपको अपने मॉडल को ले जाना है कलर्स में, कलर्स में ले जाने के बाद आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाले में ले जाना है। एंड उसके बाद इसको ले जाना है, इसका माउंट कर देना जीरो एंड ऊपर से कर देना मर्ज। एंड उसके बाद आपको ये करना है आपको इसको रोटेट में जाना है, एंड इसको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एक बार इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको ये करना आपको इस पर नीचे की साइड में कुछ इस तरीके से ले जाना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपको उसको अपने दोनों पैरों से जो है एकदम मतलब कि मैच कर देना है, ठीक है, मतलब दोनों पैरों से एकदम टच कर देना है। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, इसके बाद आपको इसको मूव डाउन करना है, ठीक है, एकदम नीचे ले जाना है। देन उसके बाद आपको जाना है इरेजर टूल में, ठीक है, पहले इसको अच्छे से देख लेना आपके पैरों के पास एकदम टच हुआ कि नहीं, ठीक है। फिर इरेजर टूल में जाना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको यहाँ पे इरेज कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोई पार्ट रह ना जाए, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी गाइस आपको ये करना है, इसके बाद आपको इसको कर देना है इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम, ठीक है, इसकी ओपेसिटी कम कर देना है। एंड ओपेसिटी कम कर देने के बाद जो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसको डन कर देना है। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से आप सभी को जो एक पीएनजी और ऐड करनी है जो कि आपको अपने हैंड पे लगाना है, ठीक है। तो इसको आपको सिंपली ऐड करना है, ऐड कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको गाइस इसको जूम करना है फोटो को, एंड इसको छोटा साइज करना है, एंड इसको अपने हैंड के ऊपर से फिट करना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके बाद जो आपको यहाँ पे रेजर टूल में जाना है, पहले इसकी ओपेसिटी कम कर चेक कर लेना है, रेजर टूल में जाके आपको फिर इसको इरेज करना है, ठीक है, रेजर टूल में जाना है। एंड उसके बाद आपको जो बीच में जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपको सिंपली इसको रिमूव कर देना है। तो सेम आपको इसी तरह रिमूव करके आपको दूसरे वाले हैंड में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो उसको पहले हम करते हैं फटाफट, फिर बताता हूँ आपको दूसरे वाले हैंड में कैसे करना है, तो उसको हम अच्छे से इरेज कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब इतना परफेक्ट है यहाँ पे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब उसके बाद जो आपको यहाँ पे सिंपली डन करना है एक बारी, तो अब इसको डन करते हैं। अब उसके बाद जो हम इसके ऊपर से यहाँ पे फुल कर देंगे, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको जूम करना है, एंड इसका एक डुप्लीकेट बनाना है आपको। डुप्लीकेट बनाने के बाद अगर आप चाहो रोटेट करके तो आप रोटेट करके भी लगा सकते हो, ठीक है। तो रोटेट करने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, आप मेरे को लगता नहीं कि रोटेट करना चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपली वैसे ही लगा देते हैं इसको अपने हैंड में इस तरीके से, ठीक है, दूसरे वाले हैंड पे। एंड गाइस पोज जो है ना, आप सिंगल हैंड का भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एक ही पकड़ोगे अपने हाथ में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार मेरे मॉडल का पोज ही कुछ ऐसा, तो इसलिए मैं इसको डबल हाथ में दे रहा हूँ ये, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक भी लगा सकते हो। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा आपको सिंपली रिमूव कर देना है, एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अब इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो है मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा इरेज हो गया, तो अभी मैं इसको पहले फिल कर लेता हूँ। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हमने इतना कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमारी फोटो एकदम झकास लग रही है यहाँ पे, तो अभी क्या करते हैं, इसको डन कर लेते हैं। अब इसके बाद जो हम इसमें एक पीएनजी और ऐड करेंगे, ठीक है, जो कि विगनेट का होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि नीचे की तरफ जो है थोड़ी सी मतलब डार्कनेस हो जाएगी, तो जिससे क्या शेडो वेडो के बारे में पता नहीं चलेगा अच्छे से, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं, एंड साइज इंक्रीज करके इस तरीके से, ठीक है। तो नीचे से डार्क हो गई है, तो मतलब कि शेडो वगैरह जो एकदम मतलब कि एकदम अच्छे से मर्च हो गई यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको हम सेव कर लेंगे, इसको लेकर चलेंगे लाइट रूम ऐप में, क्योंकि लाइट रूम ऐप पर जाकर रिटच करेंगे इसको अच्छे से, एकदम मस्त फोटो बना देंगे वहाँ पे हम। तो अब इसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जाएंगे हम डायरेक्ट इस लाइट वाले ऑप्शन में जो कि आपको दिख ही रहा होगा पिक्सआर्ट में, नहीं लाइट रूम में। तो उसके बाद आपको ये करना है, आपको उसका कॉन्ट्रास्ट माइनस करना है, उसके बाद जो हाईलाइट है इसको कम कर देना है, जो शेडो है इसको इंक्रीज कर देना है, जो व्हाइट है इसको कम कर देना है, एंड जो उसके बाद ब्लैक है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। फिर आपको जाना है कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद जो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, एंड फोटो का जो टेम्परेचर इसको थोड़ा सा कम कर देना है। फिर आपको जाना है कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसके बाद जिसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है, ल्यूमिनस जो बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको इतना कर देने के बाद आपको करना, आपको लेना येलो कलर, आपको उसका ह्यू माइनस करना है, एंड सैचुरेशन जो है इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी माइनस कर देना है। फिर उसके बाद डार्क ब्लू में जाना है, अगर आप चाहो यहाँ पे स्काई ब्लू करना अपने मॉडल को तो यहाँ पे वो भी कर सकते हो, एंड डार्क ब्लू तो जो भी आपको हाथ में है, ठीक है, जो भी करना चाहो कर लेना। बाकी सैचुरेशन थोड़ा प्लस कर देंगे, एंड कर देंगे डन। उसके बाद जाएंगे हम ऐसे नीचे वाले टूल में, हम यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देंगे, फोटो में जो विग्नेट वगैरह वो अपने हिसाब से हम डाल लेंगे। फिर उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे मिलेगा हमें ग्रेन माउंट, हम इसको भी बढ़ा देंगे, एंड उसके बाद जाएंगे नीचे वाले टूल में।
फोटो की जो शार्पनेस हम इसको इंक्रीज कर देंगे एंड फोटो में जो नोटिफिकेशन हम इसको भी बढ़ा देंगे एंड इसके नीचे जो कलर नोटिफिकेशन हम इसको भी बढ़ा देंगे। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।